हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। घर के खाने में स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ सैंडविच की रेसिपी, चीज़ सैंडविच, जो बच्चों सुनते ही एकदम दौड़ पड़ते हैं। इसके लिए मैंने ये चार ब्रेड ले लिए हैं और आज मैं चीज़ सैंडविच बनाऊंगी, जो बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद है। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। इसके लिए मैंने चार ब्रेड लिए हैं, ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं और मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। ये मैंने एक हरी मिर्च भी डाली है। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने इसमें गाजर भी डाली है, ये बहुत ही पौष्टिक है। और मैंने ये चीज़ घिया कस कर ली है। अब मैं पहले सब्जियां मिक्स कर लूँगी। और मैंने 2 चम्मच मेयोनी ली है, ये मैंने 2 चम्मच ली है। और अब मैंने इसमें हरी शिमला मिर्च बारीक बारीक काटी है, वो भी डाल दी है। गाजर डाल दी है और मैंने ये पीली शिमला मिर्च ली है। आपके पास जो भी हैं आप वो सब्जियां मिला सकते हैं, और जो नहीं है वो छोड़ सकते हैं। आपको जो पसंद है वो मिलाएं। अब इस तरह मैं सारी सब्जियां अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मेयोनीज भी आप अगर खाते हैं तो मिला लें, और नहीं तो आप ऐसे भी सब्जियां लगा सकते हैं। अब इस तरह मैं मिक्स कर लूँगी सारी सब्जियां। ये बहुत ही हेल्दी भी है और नाश्ता भी हमारा खूब हैवी हो जाएगा। बच्चों को हम टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे तो चीज़ सुनते ही खुश होने लगते हैं। तो मैंने ये सैंडविच, और हम 5 मिनट में इसे बना सकते हैं फटाफट। अब ये सारी सब्जियां मेरी मिल गई हैं। अब मैं ब्रेड पर पहले बटर लगाऊंगी। ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद है। इस तरह मैं अब इस पर लगा लूँगी। मैं तवे पर नहीं लगाऊँगी, मैं पहले ही लगा लूँगी और हमारा खूब अच्छी तरह ये लग जाएगा। अब मैंने ये पहले ब्रेड पर ही रख दिया है, नहीं तो हमारे इस पर ये बटर चिपक जाता, इसलिए ब्रेड पर थोड़ा बहुत लग जाएगा। अब मैंने ये टमाटो केचप ली है, अब इसे भी मैं लगा लूँगी। अगर आपके पास टमाटो केचप है तो वो लगा सकते हैं, नहीं पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। जो भी आपका फ्लेवर पसंद हो आप उसे लगा सकते हैं। अब मैं इस चम्मच की सहायता से इन्हें लगा दूँगी। अब मैं सबसे पहले इस पर चीज़ डालूँगी, एक ले मैं चीज़ की लगा दूँगी पतली पतली, और थोड़ी सी ऊपर से लगाऊंगी। वाकई में इतने अच्छे बने थे कि सभी बच्चे खुश हो गए थे जब मैंने बना कर दिए, और एकदम करारे जिस तरह से मैंने सेके थे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए थे। अब इस तरह मैं जो सब्जियां मिक्स कर रखी हैं उनकी भी लेगल लगा लूँगी। अब इस पर मैं चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल लूँगी। हल्की सी मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और हल्का सा ही नमक डालूँगी, क्योंकि नमक हमारे चीज़ में भी है तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। अब मैं थोड़ी सी चीज़ ऊपर से लगाऊँगी। अब दूसरे ब्रेड पर भी मैं बटर लगा लूँगी इसी तरह। इससे हमारे जो सैंडविच हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर और एकदम कुरकुरे बन सिक जाएंगे। नहीं तो मैं तवा पर डालती तो तवा पर कहीं लग जाता है, कहीं नहीं लगता, तो इससे
सही नहीं सीख पाते हैं। अब मैंने इस पर भी ये चटनी लगा ली है। अब इस तरह ढककर मैं इसे सिकने के लिए रख दूंगी। गैस मैंने चालू कर दी है और इस पर मैं अब रख दूंगी। बिल्कुल लो मीडियम गैस पर ही सिकना है, जिससे हमारा ये सैंडविच खूब खस्ता सिक कर तैयार हो। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे, अलट पलट कर ही हम सेकेंगे। ये सभी को पसंद आने वाला है, बच्चे हो बड़े हो। इस तरह अब मेरा एक तरफ सिक गया है, फिर पलट दूंगी और इसी तरह मैं अलट पलट कर सेक कर आपको दिखाती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इस तरह मेरा ये सीख कर तैयार हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कितना अच्छा करारा सीख कर तैयार हुआ है, चीज़ भी हमारी मेल्ट हो गई है। अब मैं और सीख कर आपको दिखाऊंगी। इस तरह अब लगा दूँगी और फिर और सेक लूँगी। ये सारे सिक गए हैं, मैंने सेक कर तैयार कर लिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर